कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि भारत एमसीए फाइटर जेट को बना रहा है और एमसीए फाइटर जेट दुनिया का अभी तक जितने भी फाइटर जेट इस दुनिया में हैं, उनमें सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट होगा। खासकर इसका जो सेकंड वाला वेरियंट होगा उसकी तो आप बात ही मत कीजिए, वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, अपने आप में एक अजूबा होगा। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे आज बात करेंगे एमसीए फाइटर जेट की और दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी रसिया ये दावा करता है कि दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम रसिया का S-400 है, और यहाँ तक कि कई बार रसिया ने यह भी दावा किया है कि S-400 ने F-35 फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लिया। अब सोचिए ये कि दोस्तों, अभी तक का अगर सबसे एडवांस फाइटर जेट कोई है तो वो F-35 है। अगर रसिया के S-400 ने F-35 को डिटेक्ट कर लिया तो क्या वो भारत के एमसीए फाइटर जेट को डिटेक्ट कर पाएगा या फिर नहीं, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे लेके बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पहले तो आप हल्के में लीजिए मत, क्योंकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता है, भारत इसे खरीद सकता है, तो वाकई में ये दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ताया ये जा रहा है इनमें लगने वाली मिसाइलें 17,000 किलोमीटर से ऑब्जेक्ट पर हमला कर सकती हैं। मेरे हिसाब से आप S-400 को पहले आप हल्के में मत लीजिए। अब बात करते हैं हमारे एमसीए फाइटर जेट के बारे में। देखिए दोस्तों, एमसीए फाइटर जेट पहली बात तो F-35 फाइटर जेट से ज्यादा स्पीड के साथ उड़ान भरेगा, क्योंकि जो F-35 फाइटर जेट की स्पीड है वो 1.8 मैक है, वहीं पर एमसीए फाइटर जेट की जो स्पीड है वो 2.1 मैक है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, F-35 में टेक्नोलॉजी की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों एमसीए बनाया जा रहा है तो इसमें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी लग रही है, जो कि मेरे हिसाब से F-35 से थोड़ा ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। इसमें एडवांस से एडवांस कोडिंग की जाएगी, एक से बढ़ के एक सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से S-400 इस फाइटर जेट को डिटेक्ट तो कर सकता है, पर रडार में तो हमारा एमसीए फाइटर जेट आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये उसे कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएगा और ट्रैक करके मिसाइल को लॉक नहीं कर पाएगा कि किसी मिसाइल से उस पे हमला करे और वो फाइटर जेट तबाह हो जाए, क्योंकि दोस्तों वो इतनी स्पीड से वहां से मूव करेगा, जैसे ही एमसीए को ये पता चलेगा कि कोई मिसाइल हमारी तरफ आ रही है, वो तुरंत ही खुद को वहां से बहुत ही तेजी से मूव कर लेगा। यही कारण है दोस्तों कि एमसीए फाइटर जेट को मार के S-400 बिल्कुल भी नहीं गिरा सकता है। लेकिन दोस्तों सोचिए कि हमारे पास S-400 है, एमसीए भारत बना रहा है, आने वाले 6 से 7 साल बाद जब ये दोनों हथियार भारतीय सेना का गौरव बढ़ाएंगे, तब दुनिया का भारत के प्रति क्या नजरिया होगा। वाकई में हमारे देश के साइंटिस्ट एक अलग ही अनोखा ही कमाल कर रहे हैं, जिनको देखकर मुझे सैल्यूट 100 बार करने की इच्छा होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश के साइंटिस्टों से प्यार करते हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते चलते बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।